आप आंटी को मनाइए, वकार भाई को कुछ भी करके उनको समझाएं। मीशा वापस आप लोगों के साथ आकर बहुत खुश रहेगी और मैं उसकी खुशी के लिए इस दूरी को बर्दाश्त कर लूंगा। देखो जिंदगी इस तरह नहीं गुजरती, तुम और मीशा अब एक रिश्ते में जुड़ चुके हो। वो नहीं मानती इस रिश्ते को, मैं क्या करूं? कंपनी मुझे लास्ट ईयर से यूके भेजना चाह रही है, वहां पे अपनी एक नई ब्रांच खोलना चाहती है। मैं पहले टाल रहा था इस बात को, लेकिन अब मैंने ऑफर एक्सेप्ट कर ली है। मेरे जाने के बाद आप उसे ले जाइएगा वहां से। चलता हूं। हेलो, मिशा, मिशा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ओह माय गॉड, शुक्र है ऐसे मैंने खुश तो देखा। ये सिर्फ आप लोगों के सामने ही खुश होती है। मीशा को आज हम ड्रॉप कर देंगे। ठीक, फलाल सी एट होम। ओके बाय, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ये क्या कह रही थी मारिया, तुम खुश नहीं हो क्या फरहाद के साथ? क्यों नीनो, मेरा दिल नहीं मानता। अपने दिल को समझा, फरहाद वाकई में बहुत अच्छा लड़का है। वो होंगे बहुत अच्छे, मगर मैं नहीं रहना चाहती उनके साथ। ये क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रही हो तुम ईशा? तुम्हारी शादी हुई है फरहाद से, शादी का मतलब समझती हो तुम? अपने शौहर को और उसके घर को दिल से एक्सेप्ट करना। भैया मुझसे नहीं होता ये सब कुछ, तो मैं क्या करूं? आज उन्हीं की वजह से मैं आप सबसे दूर हूं। साथ तो अब हम भी बस नाम का ही रह रहे हैं, वरना जिस कदर दूरियां आ गई है ना दिलों में, शायद एक दूसरे का चेहरा देखना भी गवारा ना रहे। जिंदगी में प्यार और प्यार करने वाले बहुत अहम होते हैं, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। इस बात को समझो, ठीक है? और तुम थक गई होगी, बैग मुझे दो।